अठियासन में नाहर भवानी माता मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी की शिरकत। नागौर के अठियासन में नाहर भवानी माता मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। 5 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव में देश भर से नाहर परिवार के लोग आए। गौरतलब है कि भवानी माता नाहर गोत्र की कुलदेवी है। संपूर्ण कार्यक्रम आचार्य विजय जयानंद सूरीश्वर महाराज आदि थाना की निश्रा में हुए। नवनिर्मित मंदिर में माताजी की मूर्ति व पगलिया एवं भैरुजी तथा गणपति की मूर्ति विराजित हुई। साथ ही मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। 56 भोग का भी आयोजन हुआ। शोभायात्रा व वरघोड़ा भी निकाला गया। मुख्य कार्यक्रम में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी शिरकत की। सांसद हनुमान बेनीवाल ने आयोजकों को बधाई दी। इसके साथ ही सांसद कोष से पानी के अलावा 10 लाख रुपये तीर्थ विकास में देने की घोषणा की। सांसद बेनीवाल का ट्रस्ट द्वारा बहुमान करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। नाहर भवानी माताजी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष अजय नाहर ने बताया कि शुक्रवार को शुभ मुहूर्त में माताजी का प्रथम द्वार उद्घाटन हुआ। लहलान शंख मुसले सकरा
परिवर्तन का जो अवसर है 26 जनवरी भी देश के लिए। मैं बसंत पंचमी के दिन मैं धन्यवाद दूंगा नार गोत्र के तमाम भामाशाहों को, जिनके सहयोग से शक्ति के प्रतीक के रूप में माँ भवानी माता जी के भव्य मंदिर के आज प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अंदर मुझे आमंत्रित किया और मुझे यहाँ आपने बुला के मेरा मान सम्मान किया। मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जो ऐतिहासिक सांसद होने के नाते भी मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सबके हितों के लिए लड़ता रहूं और विश्वास दिलाता हूँ आपको जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी आपके समाज को, इस देश को, जवान को, किसान को हनुमान बेनीवाल मजबूती से नागौर की आवाज बन के जवान किसान की आवाज भवानी का प्रतीक शक्ति के रूप में था। जब असुरों ने जब सृष्टि को खत्म करने का प्रयास किया तो भवानी ने ही असुरों का नाश किया था। इसी तरह आज इस कलयुग के अंदर जगह जगह जिस तरह माता जी के भवानी के रूप में जो मंदिर निर्माण हो रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबको एकता के सूत्रों बांधेंगे, हमारा इतिहास हमें याद दिला रहे हैं। मैं पुनः नार के प्रतीक के रूप में नार जो घोत है इनको मैं ये धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह का आपका गोत्र है, शेर की जो प्रतिमा है और माता जी का भव्य मंदिर है टैसन गांव के अंदर बनाकर आपने पूरे देश के अंदर एक संदेश दिया कि आपका अपने मिट्टी के प्रति कितना प्रेम है।